बता रहे हैं कि जिनके भी पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, या ये वाला पूरा एरिया जो बहुत टाइट रहता है, बहुत हल्की हल्की गांठें सी महसूस होती हैं, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक चम्मच चाहिए और एक पाउडर चाहिए, कोई भी पाउडर चलेगा, उसको इस तरीके से आप छिड़क लीजिए और पूरा फैला लीजिए। अब चम्मच को इस तरीके से हल्का हल्का नीचे तक लेके आना है, नीचे से ऊपर की साइड नहीं जाना है, नहीं तो बाल तोड़ हो जाएगी, और इस तरीके से नीचे की साइड लाना है धीरे धीरे करके। ये पूरे एरिया को कवर कीजिए इस तरीके से, दूसरी साइड से भी। ये लगभग एक पाँव पे आपको 5 मिनट वर्क करना है इसी तरीके से। चम्मच ज़्यादा शार्प नहीं होनी चाहिए, बहुत हल्के हाथ से इसको करना है, तो आप 10 दिन में ही फर्क महसूस करने लगेंगे कि आपको पैरों का दर्द जो है और घुटनों का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। आप ध्यान रखिए, इसको पलट के ऊपर की तरफ नहीं ले जाना है, नीचे की तरफ लेके आना है, बहुत हल्के हाथ से करना है, दोनों ही पैरों पर करना है 5-5 मिनट के लिए। तो आप इसे करेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ ये प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, और जिनकी खाल बहुत ज़्यादा लटक गई है, जो मतलब लगभग 50-55 से ऊपर हो गए हैं, खाल अक्सर जो है लटक जाती है, उनके साथ भी प्रयोग करें तो बहुत सावधानी से करें, नहीं तो ना करें। ये देखिए, बहुत हल्के हाथ से करें, उनके साथ भी करें, लेकिन 18 साल से नीचे आपको ये प्रयोग नहीं करना है। ये पैर के इस हिस्से में जो है आपको नहीं करना है, ये यहाँ से सिर्फ नीचे के हिस्से में ही करना है और नीचे की तरफ ही करना है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत अच्छा हो जाए और आपके जो पैरों का दर्द है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए।